आप जवान भी रहें खूबसूरत और भी नजर आए, जी ये दोनों कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है ये? देखें, बहुत सारे लोगों को कलर का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को कि उनकी नाक पतली होनी चाहिए या फेस उनका बेहतरीन नज़र आना चाहिए या वेट उनका लूज नज़र आना चाहिए या वो जो है ना बहुत ग्लोइंग स्किन नज़र आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एस्थेटिक में, जो लोग जानते हैं एस्थेटिक के बारे में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे आप बहुत बेहतरीन नज़र आ सकते हैं सही। जी। इसके कोई साइड इफेक्ट? नहीं, इसके कोई इतने ज़्यादा मतलब जिसे कहना चाहिए साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए कि इसमें जो चीज़ें दी जाती हैं वो आपकी बॉडी में बूस्ट की जाती हैं। ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, जो आपकी स्किन में डिटेक्शन एज के साथ साथ होती जाती है विटामिन्स की और बहुत सारी चीज़ों की, तो वो आपको बूस्ट करके आपकी बॉडी में इंटेक कर दी जाती हैं। इसका कोई इतना सही। नुकसान नहीं है, बल्कि आपको आपको फ़ायदा है। अच्छा जी अच्छा सुनील साहब, ये बताएं कि आपको ख्याल कब से आया कि मुझे भी ब्यूटिशियन बनना है, हालांकि लड़कियां चाहती हैं कि मैं टीचर बनूं। हाँ, असल में मैं जब कॉलेज में थी, कॉलेज के बाद जब शौक तो मुझे बहुत था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने बहुत इनक्रेज किया मुझे कि आपको शौक है तो आप ज़रूर इसको करें। तो इंशा माशाल्लाह 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए और 12 साल में काफ़ी कुछ किया मैंने। सही। फिर फैमिली और फिर ये जॉब, सारी सब कुछ आप चला रही हैं, साथ साथ कर रही हैं सब जी कुछ, तो बस कितना डिफिकल्ट होता है ये सब? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि आप घर को भी टाइम दें फिर बाहर भी टाइम दें, तो इसको मैनेज करना। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने हर औरत में इतनी स्टेबिलिटी रखी होती है कि वो औरत मैनेज कर ही लेती है।